लालबाग का राजा का नाम दिख रहा रहेगा आपको, पर ये है गणेश गली मुंबई का राजा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मेरा नाम है सागर ठाकुर और आज मैं जा रहा हूँ लालबाग के राजा गणपति जहाँ बैठा वहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, प्रिपरेशन हो रहा है, उसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अभी मैं करी रोड रेलवे स्टेशन उतरा, वहाँ से जा रहा हूँ। तो मैं हर साल जाता हूँ लालबाग का राजा में दर्शन करने, वहाँ पे बहुत क्राउड होता है, तो इस बार भी जा रहा हूँ। अभी तो प्रिपरेशन वीडियो, फिर जब स्टार्ट हो जाएगा तब भी जाऊँगा दर्शन करने। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा गेट का काम चालू है, पूरा गेट बन रहा है और ये ऐसी छोटी सी जगह से गणपति निकलती है। आपको पीछे से व्यू दिखाता हूँ, देख सकते हैं पूरा काम चालू है यहाँ से देखते हैं। तो यहीं से गणपति निकलती है, यहीं पे पूरा वो लाखों का क्राउड रहता है, यहाँ पे एक स्टेज रहता है, बहुत बड़ा गेट बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं गणपति का काम। और गाइस ये छोटी सी गली है, देखो ये छोटी सी गली से गणपति निकलता है। और ये सब जो दुकान है, जब गणपति का फेस्टिवल स्टार्ट होता है तो ये सब जो दुकान है ना, सब अंदर हो जाते हैं, बंद रहता है पूरा 11 का 11 दिन। और देखो ये गली से हम जा रहे हैं, इतनी सी गली है। तो इतनी सी गली में अंबानी, मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, CM, गुजरात से, मतलब पूरे भारत के जो पॉलिटिक्स लीडर है वो लोग आते हैं। और क्राउड, नॉर्मल पब्लिक तो करोड़ों में आती है। देखो ये दुकान, यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग का भी काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ से पूरी पब्लिक की क्राउड आती है, यहाँ से एक लाइन तो भर भर के सीधा जाती है। तो अभी यहाँ पे कुछ 20-25 दिन बाद हज़ारों में क्राउड रहेगा, बहुत रेस्ट्रिक्शन रहेगा, अगर जिसको भी दर्शन करना रहेगा लाइन लगा के आना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे दुकान है, ये सब दुकान बंद हो जाएंगे। यहाँ से सब माता की मूर्ति का कुछ वो सब सिंघार, मिर्ची उर्ची भी मिल रहा है यहाँ पे, मतलब प्रोडक्ट। और सामने गणपति है, गणपति का मूर्ति बन गया रहेगा, थोड़ा बहुत बाकी रहेगा, लेकिन यहाँ पे पत्रा लगा दिए ताकि दिखे ना। सो गाइस देख सकते हैं लालबाग का राजा का नाम दिख रहा रहेगा आपको, पर यही पत्रे के पीछे मूर्ति है। देखो यहाँ पे एक हनुमान मंदिर है, मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया है, इसी पत्रे के पीछे चालू है, गणपति का मूर्ति बन चुका है। और ये मंडल बहुत ही अच्छा है, यहाँ इन लोग का गोविंदा का भी टीम है, देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ से सबका एग्ज़िट होता है, वहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ से सब से एग्ज़िट करते। और यहाँ पे मच्छी मार्केट है, देख सकते हैं बाजू में, पीछे से गणपति बैठता है लालबाग का राजा, यहाँ पे मच्छी मार्केट। और यहाँ से फिर लेफ्ट मार के एग्ज़िट लेते हैं, यहाँ से लेफ्ट, वहाँ से राइट। अच्छा इस बार यहीं से कैसे। तो गाइस देख सकते हैं ये दीवार तोड़ देंगे और यहीं से सबका एग्ज़िट होएगा और ये सब बैरिकेड लगाया जाएगा। सो गाइस ये लाइट देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है। जो ये भाई साहब ने, क्या नाम है आपका? देवराम जी है, जो रायगढ़ से आए और इधर का लाइट का डेकोरेशन की है, मस्त है। और सामने लालबाग का राजा गणपति, अभी टाइम है आने में, जब आ जाएगा तो पैर रखने का जगह नहीं रहेगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे तो वीडियो बना लिया मैंने, यहाँ पे वीडियो बना लिया, देख सकते हैं लाइटिंग का भी काम बाकी है, गेट उठ बन रहा है। अभी आपको जो मेन स्पॉट दिखाता हूँ जहाँ पे हज़ारों लोग पूरा लाइन लगा के आते हैं ये साइड में, वो जगह दिखाता हूँ आपको। देखो ये सब जब दुकान वकान जब विसर्जन होता है ना, दुकान वकान सब हट जाता है, मतलब ये सब दुकान वाले लोग का 11 दिन का छुट्टी हो जाता है। और यहीं से जो मेन मुख दर्शन होता है, मुँह का दर्शन, तो यहीं से सब करते हैं पूरा बनाए। और जो पैर का दर्शन रहता है उसका लाइन बहुत लंबा है, वो पीछे साइड।
हमारे प्रभु श्री राम का भी पोस्टर लगाया गया है। और अभी मैं जा रहा हूँ आगे साइड। सो गाइस, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है गणेश गली मुंबई का राजा। यहाँ पे भी बहुत ही बड़ी मूर्ति बैठाई जाती है गणपति की। तो यहाँ पे मस्त डेकोरेशन का काम चालू है। जब आओगे तो डेकोरेशन यहाँ का बहुत अमेजिंग रहता है। यहाँ पे भी बहुत लाखों में लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। हाँ, तो ये सब स्ट्रक्चर यहाँ पे डेकोरेशन हो जाएगा चल के जाने का। और सामने गणपति की मूर्ति, गणपति की मूर्ति उस साइड, यहाँ पे यहाँ से जाने का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा छोटा सी मूर्ति बना है, मस्त रहता है ये मुंबई के। महाराष्ट्र का जो फेस्टिवल है ये सबसे बड़ा है। जैसे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, वैसे महाराष्ट्र में यहाँ पे गणपति पूजा जो 11 दिन रहते हैं ना। तो ये है गणेश गली मुंबई का राजा का गेट जो कि तैयार हो रहा है। और ये रोड बंद हो जाता है पूरे गणपति के 11 दिन, वहाँ से जो सिग्नल है वहाँ से बंद हो जाता है।